بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dear learners I hope you all are good today the date is 27th of April 2021 and the day is Tuesday I am here to teach you an English subject and today we will learn application for marriage party and application for fee concession and learning objectives are you will be able to write application properly and you will be able to understand and elaborate the main objectives of writing applications to another institutes right okay students you can see on your screens this is your pattern of application राइट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं या आप लोगों का एप्लीकेशन का पैटर्न है आपने सेम इस पैटर्न के साथ एप्लीकेशन लिखनी है ठीक है स्टार्ट आपने द प्रिंसिपल ए बी सी देन सिटी नेम लिखना है उसके बाद सर या मैम मैडम एंड देन उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन लिखनी है जिस भी पर्पज़ के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप सिक लीव लिख रहे हैं या जैसे आज हम मैरिज पार्टी पा रहे हैं या फी कंसेशन पा रहे हैं जो भी एप्लीकेशन जो भी सब्जेक्ट है आपका वो आपने अपनी मेन एप्लीकेशन इधर लिखनी है एंड देन एंड पे योर्स ओबीडियंटली देन एक्स वाई जी क्लास मेंशन करनी है एप्लीकेशन में क्लास मस्ट मेंशन की जाती है और एट द एंड डेट मेंशन करेंगे राइट नाउ फोकस ऑन योर स्क्रीन्स स्टूडेंट्स दिस इज योर एप्लीकेशन फॉर मैरिज पार्टी ओके एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माय ब्रदर द सेरेमनी टेक्स प्लेस ऑन द 10th of this month, right? यानी कि मुद्दबाना गुजारिश है मोस्ट रिस्पेक्टफुली बहुत अदब के साथ गुजारिश है कि आई बैक टू स्टेट दैट मेरी ये इल्तिजा है आई हैव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई ब्रदर कि मुझे अपने भाई की शादी अटेंड करनी है द सेरेमनी टेक्स प्लेस ऑन द 10th ऑफ दिस मंथ जो सेरेमनी है जो इवेंट है या जो फंक्शन है वो इस मंथ की 10 को है एंड द मैरिज पार्टी विल लीव फॉर लाहौर ऑन द 11th यानी कि मैरिज पार्टी कहाँ पर हो रही है लाहौर में हो रही है 11th को 11 इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट आई मे बी ग्रांटेड लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एट लीस्ट फॉर 4 डेज दैट इज़ फ्रॉम 10 to 14 अब इसमें यही कहा जा रहा है कि मेरी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि मुझे स्कूल से 4 योम की छुट्टी दी जाए तो अब यहाँ पर आप डेट को चेंज कर सकते हैं लाइक यहाँ पर तो आपको एप्लीकेशन समझाने के लिए 10 to 14 है आप जो भी चाहें वो डेट लाइक आपने अगर ये लिखनी है किसी भी मैरिज पार्टी के लिए कोई भी सेरेमनी अगर आपने मैरिज सेरेमनी अटेंड करनी है तो आपने वो जो डेट्स होंगे आप वही डेट यहाँ पर डालेंगे अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स और इसी तरह आपने ऊपर और नीचे आपने जो एप्लीकेशन पैटर्न आपको दिखाया कि आपने वही पैटर्न यहाँ पर लिखना है यानी कि एंड पे आपने योर्स ओबीडियंटली एंड देन क्लास अपनी लिखनी है या अपना नेम एक्स वाई जी नेम की जगह पर आप लिखेंगे अंडरस्टैंड ओके नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन द प्रिंसिपल ए बी सी रावलपिंडी मैडम योर सर लिखेंगे या मैडम और सर Respectfully, it is submitted that my father is working as a restorer in the municipal committee library. He draws a meager salary of rupees 3500 per month. राइट यानी कि उदबाना ये गुजारिश है कि जो मेरे फादर हैं वो एक म्यूनसिपल कमेटी में जो है वो लाइब्रेरी है वहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं एक मामूली सी और वहाँ पर वो सिर्फ 3500 रुपया ले रहे हैं ओके एक महीने का नेचुरली ही हैज़ टू बोरो मनी एवरी मंथ टू मेक बोथ एंड्स मीट यानी कि कुदरती तौर पे वो जितना भी यानी कि मनी वो ले रहे हैं वो नहीं निकालती पूरा वो एंड तक नहीं निकालती एंड ही सपोर्ट्स अ लार्ज फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 5 डॉटर्स एंड 3 सन्स यानी कि वो कितना सपोर्ट करें उनकी एक बड़ी फैमिली है जिसको वो सपोर्ट करें जो कि 5 बेटियों पे और 3 बेटों पर मुश्तमिल है इनफैक्ट द हाउस होल्ड वरीज हैव कॉज्ड अ ब्रेक डाउन इन हिज हेल्थ एंड ही हैज़ बीन ऑन मेडिकल लीव फॉर ओवर 2 months यानी कि घर की घरेलू परेशानियों की वजह से वो क्या है उनकी सेहत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो मेडिकल लीव पर हैं यानी कि वो बीमार हैं जिसकी वजह से वो मेडिकल लीव पर हैं 2 महीने की इन द लाइट ऑफ द फैक्ट स्टेटेड अबव यानी कि ऊपर जिन मैंने हकाइक पर रोशनी डाली इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट आई मे बी ग्रांटेड फुल फी कंसेशन एंड स्टिपेंड ऑफ रुपीज़ 20,000 पर मंथ
ठीक है, यानी कि मतलब जो मैंने जितने भी हकायक बयान किए इससे मैं उसके बाद मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि मेरी जो जितनी भी फ़ीस है उसको माफ़ कर दिया जाए, और मुझे स्टिपेंड कहते हैं कि मदद के तौर पे जो आपको फ़ंड दिया जाता है उसको, यानी कि मुझे 20,000 वो दिया जाए। आई एम बैडली इन नीड ऑफ दिस फाइनेंशियल रिलीफ, कि मैं बहुत बुरी तरह से, या मैं आप ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से या शदीद किस्म का मैं इस फाइनेंशियली सपोर्ट को चाहता हूँ। अदरवाइज़ आई विल हैव टू डिसकॉन्टिन्यू माई स्टडीज़, वरना मुझे अपनी जो पढ़ाई है उसको मंतका करना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। द इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम माई फादर्स एम्प्लॉयर इज़ अटैच फॉर योर काइंड पार्सल, ठीक है, यानी कि जो मेरे फादर की इनकम सर्टिफिकेट है, फादर जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ का, वो मैंने आपके देखने के लिए साथ में अटैच कर दिया है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, उसके बाद आप नेक्स्ट अपना देख सकते हैं कि उसी तरह जैसे आपका जो पैटर्न है एप्लीकेशन का, उसी पैटर्न से आप दोबारा नीचे यहाँ पर थैंकिंग यू, और उसके बाद उसी तरह योर्स ओबीडियंटली, देन नेम की जगह आप लिखेंगे एक्स वाई जी, अपनी क्लास मेंशन करेंगे एंड देन डेट मेंशन करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर डायरी। यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर मैरिज पार्टी ऑन योर नीट नोटबुक्स, क्या आपकी जो मैरिज पार्टी एप्लीकेशन है वो आपने अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखनी है, और इसके अलावा दोनों एप्लीकेशंस याद करनी है, और उसके बाद याद करने के बाद यू हैव टू राइट दिस बोथ एप्लीकेशंस ऑन योर होम असाइनमेंट रजिस्टर्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। Now it's time to leave out. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Thank you so much for watching and listening. Take care of yourself. Fi amanullah.